चना दाल की कचरी। दिस इज फूडी अनीता स्टाइल होम मेड रेसिपी। चना दाल की कचरी बनाने के लिए मैंने चना दाल को 2 घंटे के लिए फुला दिया है और इसमें अब इसे पीसना है। तो इसमें मैंने डाला है कड़ी पत्ता, रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, काली मिर्च और कसूरी मेथी और सॉल्ट। इन सब को मैं दरदरा पीस लूंगी। ज्यादा बारीक नहीं हमें पीसना है, बस दरदरा हमें पीसना है। इन सब को पीस लेती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ। देखिए मैंने इन सब को पीस लिया है, अब पॉट में निकाल लेती हूँ। बहुत बारीक नहीं मैंने पीसा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने पॉट में निकाल लिया है। अब इसमें डालने के लिए मैं जिंजर है, ग्रीन चिली है, प्याज है और धनिया पत्ता है, इन सबको मिला दूंगी। इन सबको मैंने मिला लिया है और हमारा ऑयल का पैन भी गर्म हो चुका है। आइए अब बनाते हैं। हाथ से हमें करना है, अब सारा प्रोसेस हाथ से होगा। इन सबको एक जगह जमा करके हल्का हल्का पतला कर देंगे। उसके बाद इसमें पैन में हम लोग तेल का पैन है उसमें डालते जाएंगे और टेम्परेचर को लो कर देंगे। इसी तरह इसमें जितना भी अट पाएगा उतना मैं डाल लेती हूँ। हमें टेम्परेचर तो लो रखना है, लेकिन बहुत ज्यादा लो नहीं रखना है, नहीं तो ये तेल एब्जॉर्ब कर लेगा। और ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो ये जल जाएगा और अंदर तक पकेगा ही नहीं। और टेम्परेचर को लो कर देंगे तो इसमें ज्यादा तेल सोख लेगा, इसलिए बीच बीच में टेम्परेचर को हमें मीडियम एंड लो करते रहना है। और इन सबको उलट पलट भी करते रहना है ताकि सब तरफ से अच्छे से ये पक भी जाए अंदर तक और करारी करारी ऊपर से रहे। कितना शानदार और डिलीशियस दिख रहा है ये हमारी चने दाल की कचरी। बिल्कुल यूनिक है एंड हेल्दी है। इसे आप घर पे जरूर से ट्राई करें दोस्तों। अभी टेम्परेचर थोड़ा सा देती हूँ। इसमें मैंने कड़ी पत्ता, कसूरी मेथी, ये सारी हेल्दी चीजें, ये शुगर पेशेंट भी एक लिमिट में 1-2 पीस करके आप खा भी सकते हैं। जो शुगर पेशेंट है उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज्यादा खराबी नहीं करेगा, लिमिट में खाएंगे तो हेल्दी ही है। बारिश का मौसम हो और शानदार ये कचरी चाय या कॉफी के साथ मिल जाए तो मजा ही आ जाए दोस्तों। तो आप इसे अपने घर पे जरूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी बनाई हुई ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अब पक चुका है, 1-2 सेकंड के बाद इसे निकालती हूँ। देखिए इसका कलर भी अब बिल्कुल गोल्डन कलर का हो चुका है। अब इसे निकाल लेती हूँ। हड़बड़ा के ना निकाले दोस्तों, तेल को पूरा अच्छी तरीके से ड्रेन आउट होने दें। ऐसा बस। इसमें साथ खाने के लिए ग्रीन चिली भी मैं थोड़ा तल देती हूँ।
चलिए इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस दो मिनट में हो जाएगा टेम्परेचर को कम। बस ये हो चुका है, अब निकाल लेती हूँ इसे। थोड़ा सावधान रहें इसे तलते समय दोस्तों, शानदार है ये देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है। चलिए आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। अब इस प्लेट में अब इसे निकाल लेती हूँ। मैंने लेमन रख दिया है, आप चाहें तो इसे नींबू के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वाओ कितना डिलीशियस है। एक और कहीं एडजस्ट कर देती हूँ, देखिए कितना शानदार दिख रहा है। इस पर मैंने धनिया पत्ता से ही भी सजा दिया है। ये जो मिर्ची मैंने तल के रखी थी ये भी कहीं कहीं रख देती हूँ। वाओ कितना डिलीशियस दिख रहा है दोस्तों, अपने घर पे इसे जरूर से ट्राई करें। तो चलिए दोस्तों मेरी बनाई हुई ये चने दाल की कचरी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताएंगे। कितना डिलीशियस दिख रहा है दोस्तों। वाओ दोस्तों लाइक और कमेंट करने में कंजूसी ना करें। एक दो फोटो भी ले लेती हूँ। मेरी बनाई हुई इस रेसिपी के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। आपके कमेंट और लाइक से ही तो हम जैसे यूट्यूबर्स को मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग किस टॉपिक पर मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट अवश्य करें। आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।